Sir, this election was a unique election in the way that women participation in the election was nearly equal to that of men, and the women voted decisively in favor of Prime Minister Modi ji. This election had the highest voting percentage ever in the country. It had 67% people in the country voted in this election. Clearly, sir, the youth also voted in large numbers, and this young nation have voted in favor of the dynamic and visionary leadership of Prime Minister Modi ji. BJP became the first party to complete a term and be re-elected with its own majority since 1984. Sir, in 1984, those who laughed at us are now serving the opposition benches. Some of their colleagues could not even make it to the house. They are still sitting outside and wondering what went wrong. Sir, I would like to tell them what exactly went wrong. Sir, I come from a constituency which has always elected a congressman as a member of parliament since 1967. This record was broken by me in 2014, and I got elected as the youngest BJP MP in that Lok Sabha. Adhyaksh ji, 2014 se pehle main apne nirvachan kshetra Nandurbar mein health camps ka ayojan karti thi. Hum nishulk operations karwate the, surgeries karwate the. Ek bar humne cataract surgery ka camp ayojit kiya. Us camp mein ek 72 varshiya mahila unke aankh ka operation karwane aayi thi. जब मैंने उनसे पूछा कि वो कितने सालों से देख नहीं पाती, तब उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही उनकी दृष्टि नहीं है. क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि अपना पूरा जीवन अंधेरे में जीना? मुझे थोड़ा संदेह हुआ कि क्या उन्हें सचमुच कैटरैक्ट ही हुआ है. मैंने एक वरिष्ठ डॉक्टर को पूछा कि क्या इन्हें कैटरैक्ट है, तो वो वरिष्ठ डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये महिला को जो कैटरैक्ट हुआ है वो कुपोषण के कारण हुआ है. और जब हमने वो महिला का ऑपरेशन किया, उनकी दृष्टि वापस आई, उस समय मेरे आनंद की सीमा नहीं थी. उस महिला ने उसका पूरा जीवन अंधेरे में जिया. उनके परिवार के सदस्यों को वो कभी उन्होंने देखा नहीं, केवल उनके आवाज से उनको पहचानती थी. जब उनके आंखों की दृष्टि आई और पहली बार उनके पति, उनके बच्चे, उनके पोता पोती उनके सामने आए, तो उनके चेहरे से वो उन्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन उनके आवाज से उन्होंने उनको पहचाना. उनके हाथ में एक छड़ी थी, वो छड़ी उन्होंने फेंक दी. स्पीकर सर, दिस लेडी इज अ मेटाफर फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस. वी हैव रिमूव्ड एंड थ्रोन आवर ब्लाइंड फोल्ड एंड सीन द रियलिटी ऑफ कांग्रेस, देयर फेक एंड एम्प्टी प्रॉमिसेस. सर, दिस एंटायर इंसिडेंट ओपन्ड माय आईज एज वेल. आई रियलाइज हाउ मेल न्यूट्रिशन कीप्स अस बिहाइंड इन द रेस, हाउ इट रिड्यूसेस आवर प्रोडक्टिविटी एंड इम्यूनिटी, and we are not able to give the best to our children. What has Prime Minister done to tackle this malnutrition? He ensured food security for more than 80 crore people in the country. They merely promised it, we delivered it. In all 36 states and union territories, right to food was implemented by this government. Sir, neta wo nahi hota jo acche bhashan de, neta wo hota hai jo garibon ke ghar mein rashan de. सर, दिस इज आवर कॉन्ट्रीब्यूशन. सर, 2014 के पहले मेरे जैसे युवा युवती बहुत हताश थी. वी वर कंप्लीटली हेल्पलेस कि क्या ये देश हमेशा जुगाड़ू देश ही रहेगा या कभी कोई चीज बदलेगी. क्या हमेशा काम करने का माध्यम ये रिश्वत देना ही रहेगा या कभी सबको समान अवसर भी मिलेगा. क्या देश के जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है उन्हें केवल वोट बैंक की तरह ही देखा जाएगा या कभी उनका भी आत्मसम्मान इतना उभरेगा कि वे उनकी अपेक्षाएं सरकार को बता सके, सरकार उस पर काम करे और उस आधार पे वे लोग वोट कर सके. सर, वी ऑल यंगस्टर्स हैड काइंड ऑफ गिवन अप, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा हौसला बढ़ाया है, हमें हिम्मत दी है कि देश एक ईमानदार रास्ते पर चल सकता है. देयर विल बी अ प्रीमियम ऑन ऑनेस्टी. सर, मैं और एक उदाहरण देना चाहूंगी. मैंने कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में बताया. मेरे संसदीय क्षेत्र में तोरणमाल नामक एक हिल स्टेशन है जो कि सातपुड़ा पर्वतों में है. एक दिन एक गरीब आदिवासी लड़का मुझे वहां मिला. उसने आकर मुझे कहा कि दीदी, आपके कारण मेरी आंखों की दृष्टि आई है, मैं चाहता हूं कि आप हमारे गांव आइए और हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं. मैं तैयार हो गई और मैं उसके साथ मेरी गाड़ी में चल दी. जब हम कुछ दूर गए तो एक डेड एंड आ गया. हमारी गाड़ी वहां रुक गई थी, आगे कोई सड़क नहीं थी. वहां एक घाटी थी और घाटी में कई गांव थे.
वो दृश्य बहुत सुंदर था, लेकिन वो सुंदरता के पीछे वहां का पिछड़ापन दिखाई दे रहा था। उन गांवों में न सड़क थी, न बिजली थी, न स्कूल था, न अस्पताल था। वहां के लोग घर में रोशनी के लिए मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते थे, और इतना ही नहीं, मीलों दूर अस्पताल में अगर उन्हें कोई बीमार पेशेंट को लेकर के जाना है तो वहां बैम्बुलेंस नामक एक बांस का स्ट्रेचर बनाया जाता था जो दो लोग उठाकर वो पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेके जाते थे। सर, दिस वॉज द सॉरी सिचुएशन देयर। इन द लास्ट 5 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट विकास इज एंश्योर्ड देयर। द फर्स्ट रोड इन दैट एरिया इज कंस्ट्रक्टेड अंडर प्राइम मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। द फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन अंडर द प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। टॉयलेट्स आर कंस्ट्रक्टेड अंडर स्वच्छ भारत अभियान। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्राइबल स्कूल इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन दैट एरिया। एंड सर, मोर ओवर दैट एरिया हैज गॉट द फर्स्ट हॉस्पिटल सब सेंटर विद अ डॉक्टर अंडर प्राइम मिनिस्टर्स जन आरोग्य अभियान। Now the people there no longer feel isolated, helpless and cut off from country's progress. They also have hopes and aspirations. Sir, my district Nandurbar is one of the most backward districts in the country. It borders Gujarat. Before 2014 I have seen the good work done by Modi ji while he was the chief minister of Gujarat. People living in the Gujarat, especially the Valsad, Vyara, Bardoli, these are the adjacent areas to my constituency, and we have seen the way that area has developed. As a youngster, I was really impressed by the performance and vision of Prime Minister in that area, and I decided to join BJP. I still feel honored that it was he who welcomed me in the party in New Delhi. Sir, for development of such backward districts, Prime Minister framed a new program called Aspirational Districts. My district is one of those 115 districts which have been chosen as aspirational districts for development, and I feel proud to say that we are constantly improving on most of the parameters. So this is the story across the country. People wherever they are have seen and felt this change and therefore have voted for Modi ji. People were anxious for change. Modi ji has brought in that change and improved the lives of the people. Adhyaksh ji, main ek yuvraj se ye puchna chahti hu, पीढ़ी दर पीढ़ी राज करने के बाद भी देश में इतना पिछड़ापन क्यों रहा? आज जो भी परिवर्तन हम यहाँ देख रहे हैं वो केवल मोदी जी के कारण संभव हुआ है। सर, टुडे 2.5 करोड़ हाउसहोल्ड्स हैव गॉट फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अंडर प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। 12 करोड़ गैस कनेक्शंस हैव बीन गिवन ओवर लास्ट 5 years एज कम्पेयर टू 13 करोड़ कनेक्शंस गिवन इन द पास्ट 6 decades पोस्ट इंडिपेंडेंस। 38% वॉज द सैनिटेशन in 2014 in the rural areas. Now it has increased to 99% in 2019, and during the period of 2014 to 2018 more than 1.5 crore houses have been constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana. Sir, in my own constituency I have personally handed 1.5 lakh women beneficiaries these Ujwala gas connections. Additionally, 1.5 lakh houses have been constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana, and 1.25 lakh houses have got free electricity connection for the first time after independence. Sir, शायद ये air condition में रहने वाले बड़े लोग ये पीड़ा कभी नहीं समझ सकते कि किसी गरीब के घर में बिजली आना कितनी बड़ी बात होती है। एक विद्यार्थी जिसे लैंप में, केरोसिन के लैंप में पढ़ना पड़े या स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ना पड़े, उसके घर में बिजली आना ये कितनी बड़ी बात है। सर, मैंने प्रधानमंत्री जी के जीवन का एक अंश चलो जीते हैं मैं देखा था। ये सब अभाव का प्रधानमंत्री जी ने खुद अनुभव किया है, और इसलिए उन्होंने ये तय किया कि ऐसे विपरीत परिस्थिति किसी भी बच्चे के जीवन में नहीं आनी चाहिए। एक बच्चे को, हर बच्चे को अधिकार है बिजली का, हर महिला को अधिकार है गैस सिलेंडर का। इन्हीं बातों के कारण लोगों ने मोदी जी पर विश्वास जताया, और 282 से 303 की संख्या आज हमें इस देश ने दी है। हमें दलित विरोधी भी कहा गया। मैं जो ये आरोप हम पर लगाते थे उन्हें ये कहना चाहूंगी कि 2014 के अगर आप आंकड़े देखें और 2019 के आप आंकड़े देखें तो हम लोग सारी जो रिजर्व सीट्स है हमारे देश में सारी सीटों पे हम बढ़े हैं, और हमारी संख्या ये 2014 से 2019 में निश्चित रूप से ज्यादा आई है। इसी मौके पे मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय श्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बड़ी संख्या में इस चुनाव में महिलाओं को भी मौका दिया है। इस बार बढ़ चढ़कर समाज के हर वर्ग ने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है। अब तक देश में सरकारें एंटी इनकम्बेंसी पर बनती थी, आज पहली बार प्रो इनकम्बेंसी पर सरकार इस देश में बनी है। आज ये जो वोट हमें मिले हैं ये पॉजिटिव वोट है, ये प्रो इनकम्बेंसी के वोट है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस शुरू हुई है, देश की जनता ने परफॉर्मेंस को वोट दिया है, ईमानदारी का सम्मान इस देश ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोगों ने जातिवादी के जमावड़े को रिजेक्ट किया है और एक बेदाग सरकार पुनः इस देश को दी है। ऐसे पहली बार इस देश को आजादी मिलने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी आरोप न लग सके ऐसी सरकार इस देश को मिली है। और ये सबके लिए बड़ी जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है, सारी व्यवस्था पर अनुशासन रखना पड़ता है, कठोर अंकुश लाना पड़ता है, दिन रात निगरानी करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक युवा विपक्षी नेता ने हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन देश के नौजवानों ने और देश की जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया। अध्यक्ष जी, उन्हें अपनी खानदानी सीट छोड़कर भागना पड़ा, मेरी बड़ी बहन ने उन्हें वहां से हराया। वो दोनों भाई बहन खूब लगे थे, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने ऐसा पासा पलटा कि उन्हें उनकी सीट छोड़कर देश के दूसरे कोने में जाकर चुनाव लड़ना पड़ा। दिस इलेक्शन हैज डिमोलिश्ड ऑल द मिथ ऑफ द पॉलिटिकल पंडित। बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े विशेषज्ञ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बड़े बड़े विचारक जो अपने आप को बड़ा माहिर समझते हैं कि वो पॉलिटिकल समझ रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, सबने कहा कि बीजेपी विल लूज। अलग अलग थियोरीज को दिखाकर ऐसा बताया गया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं हासिल हो सकती, लेकिन देश की जनता ने उनके सारे भ्रमों को तोड़ दिया है। आज स्पीकर सर वो कहते थे कि पीक हो गया है, जब 2014 में मध्य प्रदेश में हमारी 27 सीटें आई थी, अब की बार तो 27 नहीं 28 सीटें मध्य प्रदेश में हम जीते हैं। और मैं ये विश्वास से कह सकती हूँ कि अगली बार मध्य प्रदेश की जनता 29 की 29 सीटें हमारे प्रधानमंत्री जी के झोली में देगी। स्पीकर सर, दिस टाइम वंस अगेन वी आर 7 out of 7 इन दिल्ली, 5 out of 5 इन उत्तराखंड। हरियाणा में हम पिछले टाइम 7 सीटें जीते थे, अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद 7 सीटें भी ना आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार हरियाणा में 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 की 10 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड हमने हरियाणा में बनाया है। और अध्यक्ष जी, अभी भी बीजेपी ने पीक नहीं किया, वी विल नाउ राइड ऑन आर सक्सेस इन बंगाल, ओडिशा एंड तेलंगाना एंड कॉन्कर न्यू टेरिटरीज इन द साउथ नेक्स्ट टाइम। वी वन ऑल द अर्बन सीट्स ऑफ मुंबई, दिल्ली, पुणे, वी वन द एस्पिरेशनल बेंगलुरु वेर माई प्लेस एज द यंगेस्ट बीजेपी एमपी हैज बीन टेकन बाय माई ब्रदर तेजस्वी सूर्या, वी हैव वन फ्रॉम माई ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसी नंदुरबार, वी हैव वन फ्रॉम लडाख, फ्रॉम अरुणाचल, द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, एवरी पार्ट हैज वोटेड इन फेवर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। सर, एवरी सेक्शन हैज बीन बेनिफिटेड अंडर दिस गवर्नमेंट एंड एवरी सेक्शन हैज वोटेड फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अंडर मोदी जी लीडरशिप वुमेन्स डेवलपमेंट हैज चेंज टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, एंड दिस टाइम आउट ऑफ द 78 वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन दिस लोकसभा, 42 वुमेन एमपीज आर फ्रॉम बीजेपी एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ इट। अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 7 crore वुमेन हैव गॉट फ्री एलपीजी कनेक्शन। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मेरे क्षेत्र में गर्मी के 3-4 महीने महिलाएं लकड़ियां इकट्ठा करती थी बारिश के मौसम के लिए, और आई नेवर एवर इमेजिन्ड दैट पीपल वुड एवर गेट फ्री गैस कनेक्शन एंड दे विल बी फ्री फ्रॉम द स्मोक, द फायरवुड दैट दे यूज टू यूज। वी हैव सीन पीपल शेड टीयर्स व्हेन दे कट ऑनियंस, बट हैव वी एवर सीन टीयर्स इन अ वुमन्स आईज व्हाइल शी इज बर्निंग हर आईज इन द स्मोक जस्ट टू कुक फूड फॉर हर फैमिली? बिकॉज ऑफ दिस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नाउ वुमेन विल गेट गुड आई साइट, दे विल हैव गुड हेल्थ, एंड आई वुड लाइक टू थैंक प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द वुमेन ऑफ द कंट्री फॉर गिविंग दिस इम्पोर्टेंट गैस कनेक्शन स्कीम टू द वुमेन। सर, अनदर इम्पोर्टेंट इशू इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स। हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ पर्सन डाइंग बिकॉज ही वेंट इन अ फील्ड और अ जंगल एट नाइट एंड ही गॉट अ स्नेक बाइट, ही हैड गॉन टू डेफिकेट इन द जंगल्स?
Recently, we saw one Hindi movie, Toilet Ek Prem Katha, and where we have finally seen how a woman has to suffer due to lack of toilets. And therefore, it was a priority of the Modi government to construct toilets and give dignity of women. Over 9.7 crore toilets have been built to eradicate open defecation, with women more actively participating in the workforce. It was very painful for doctors like us to advise them to either take care of their health or leave their jobs because their office would not permit them for leave for a longer time. Now, paid maternity leave has been extended from 12 weeks to 26 weeks. With this, a woman can take better care of herself and her family. Provision of death penalty for rape of a girl under the age of 12 years has been made. Beti Bachao, Beti Padhao Abhiyan has improved the sex ratio in 104 identified districts. Now there will be equal employment opportunities to women in the mines. My Muslim sisters being protected from destitution and given dignity through the triple talaq bill. I urge you all to support it. 33% reservation for women in police force extended in 10 states and 7 union territories. Hamare manifesto mein mahilaon par vishesh dhyan diya hai. And we will fulfill all these promises. Harnessing Yuva Shakti was again a priority of our government. 7 IITs, 7 IIMs, 14 triple IITs, 103 Kendriya Vidyalay, Eklavya Model Residential School for Tribal Children have all been established for the education of the youth. Atal Tinkering Labs are being opened in 9,000 schools. More than 15,000 startups have been recognized and tax relief for 3 consecutive years have been given out of 7. 15 crore mudra loan has been sanctioned, out of which two-thirds has been given to women. 13,000 training centers under Skill India and vocational training have been started to train over 1 crore youngsters. Now 2,500 new players will be trained each year under the Khelo India program. Not only that, for welfare of the SCs and STs, a historic budget of rupees 95,000 crore has been given. Amendment to the SC-ST Act, which was a long-standing demand of my community, have been fulfilled. Income eligibility for the scheduled caste students for pre-matric scholarship has been increased from 2 lakhs to 2.5 lakhs. Constitutional status has, to the OBC Commission has been given. Work on Panch Tirth of Dr. Babasaheb Ambedkar has been started. Maniya Adhyaksh Ji, Hamare Desh Ki Suraksha Sarvopari Hai. हमने पिछले कुछ दिनों में ये देखा है कि हमारे पड़ोसी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आते, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व वाले इस सरकार में आतंकवाद के कारखाने में घुसकर वहां के आतंकवादियों को नष्ट करने का काम हमारी सरकार ने किया है. हमारी सेना ने आतंकवाद के जड़ में जाके, बालाकोट में जाके लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके उनके जड़ में जाके उन्हें खत्म करने का काम हमारी देश की सेना ने किया है. हमारे सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस पर हमारे ऑपोजिशन के कुछ साथियों ने उसकी सच्चाई पर सवाल उठाए. इनके सवालों के जवाब आज देश की जनता ने इतना बड़ा ऐतिहासिक मैंडेट देकर दे दिया है. सर, टुडे अ ट्राइबल गर्ल गेट्स अ चांस टू पार्टिसिपेट इन दिस डिबेट. माय एल्डर ब्रदर सारंगी जी जस्ट स्पोक एंड पार्टिसिपेटेड इन दिस डिबेट, हुज लाइफ इन इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन. माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन और देश की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व बहुमत देकर एक नया भारत, सक्षम भारत, समर्थ भारत और स्वर्णिम भारत के निर्माण में एक ठोस कदम उठाया है. भारत